तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पांच ऐसे बेस्ट कैमरा के बारे में जो कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। बाकी आखिरी का कैमरा आप लोगों को काफी बजट के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसको तो आप लोग जरा भी मिस मत करना। बाकी हमारे लिस्ट में पहले नंबर का कैमरा आता है सोनी अल्फा 6100Y। दोस्तों ये कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग 4K तक की वीडियो को, व्लॉग वीडियो को, फोटोग्राफी वीडियो को, किसी भी तरह की वीडियो को आसानी से शूट कर सकते हैं। तो इससे आप लोग वेडिंग फोटोग्राफी भी काफी कमाल की करोगी। बाकी इसके लिए इसके अंदर आप लोगों को 24.2 मेगापिक्सल का एक फास्ट ऑटो फोकस के साथ कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 1650mm के एक लेंस किट के साथ भी देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को एक अनदर लेंस भी देखने को मिल जाएगा 55-210 मेगापिक्सल का, जो कि काफी प्रोफेशनल और वेडिंग फोटोग्राफी के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को काफी रियल टाइम ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। यह आप लोगों को आई को ट्रैक करके आप लोगों की वीडियो को शूट करने वाला है, जिससे कि जो भी आप लोगों का फोकस होगा वीडियो के अंदर वो सिर्फ आप लोगों के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होने वाला है। बाकी दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए ये काफी बजट के अंदर आने वाला काफी अच्छा कैमरा है सोनी की तरफ से। और इसकी हाल ही के टाइम पे जो प्राइस अमेज़न के ऊपर वो आप लोगों को सिर्फ 73,999 ही देखने को मिलती है, जो कि एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी के लिए काफी बजट रेंज के अंदर आने वाला कैमरा है आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर का कैमरा आता है सोनी अल्फा A7 III। इस कैमरे के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक फुल फ्रेम सेंसर देखने को मिल जाएगा, और यह दोस्तों एक मिररलेस कैमरा है आप लोगों के लिए। इसके अंदर आप लोगों को 24.2 मेगापिक्सल का एक फुल फ्रेम VCI इमेज सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इसके अंदर आप लोगों को लेटेस्ट बायोनिक X का एक इमेज वर्सर भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों ये सोनी का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। बाकी इसके अंदर आप लोग 4K तक की वीडियो को HDR3 के अंदर सपोर्ट के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। बाकी इसे आप लोग जो भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं वेडिंग के अंदर, उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को एक 3 इंच की LCD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जो भी काफी अच्छी होगी। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 695 का एक ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिल जाएगा 1 फ्रेम के साथ, जिसकी वजह से जो आप लोग फोटोग्राफी करोगे तो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छा आई ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफी के लिए यह सोनी की तरफ से आने वाला एक काफी अच्छा कैमरा आप लोगों के लिए, और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को हाल ही के टाइम पे अमेज़न के ऊपर 1,47,999 देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों 1.5 लाख रुपए के अंदर आने वाला एक प्रोफेशनल कैमरा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग वेडिंग फोटोग्राफी को शूट करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग एक निकोन का कैमरा बाय करना चाहते हैं तो ये 3 नंबर का कैमरा आप लोग को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका नाम है निकोन Z6 II। यह दोस्तों एक मिररलेस कैमरा है, जो कि आप लोग को 24.2 मेगापिक्सल के एक एपेक्स फॉर्मेट वाले BSI सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग को डुअल XP6 के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलता है। और इससे आप लोग 4K तक की वीडियो को अल्ट्रा HD क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है, और ये दोस्तों एक प्रोफेशनल कैमरा है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। इसके अंदर दोस्तों आप लोग 4K तक की वीडियो को 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर पाओगे, वो भी अल्ट्रा HD क्वालिटी के साथ। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी कितनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को 24mm 70mm वाला एक F4 लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी बताई जाती है। बाकी इसके अंदर आप लोग को ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा, एक 3 इंच की फोल्डेबल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। और वेडिंग फोटोग्राफी के लिए दोस्तों ये निकोन की तरफ से आने वाला एक प्रोफेशनल कैमरा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग एक बेस्ट बजट कैमरा बाय करने की सोच रहे हैं। बाकी इसकी हाल ही के टाइम पे जो प्राइस अमेज़न के ऊपर वो आप लोगों को 1,63,000 रुपए देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों 1.5 लाख रुपए के अराउंड एक काफी प्रोफेशनल कैमरा आप लोगों के लिए निकोन की तरफ से। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में 4th नंबर का कैमरा आता है, जो कि आप लोगों को काफी बजट के अंदर ही देखने को मिलेगा, Fujifilm XS20। दोस्तों एक काफी अच्छा कैमरा बताया जाता है खासतौर पर वीडियोग्राफी के लिए। अगर दोस्तों आप लोग वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, अपनी म्यूजिक वीडियो को शूट करना चाहते हैं या फिर वेडिंग वीडियो को शूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये Fujifilm का कैमरा काफी जबरदस्त होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को 26.1 मेगापिक्सल का एक APS-C सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि BSI कॉम्पैक्ट 4 के साथ देखने को मिलेगा। और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 15-45mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को X Processor 5 देखने को मिल जाता है, जो कि एक इमेज प्रोसेसर होता है, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी बताई जाती है। यह दोस्तों आप लोगों की फोटोग्राफी के समय काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों की फोटोग्राफी को क्लिक करके दे देता है। बाकी इसके अंदर आप लोग 6.2 रेजोलेंस के साथ 30 FPS के ऊपर वीडियो को शूट कर सकते हैं, और 4K तक की वीडियो को 60 FPS के ऊपर शूट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोग वीडियोग्राफी तो काफी प्रोफेशनल तरीके से कर पाओगे। और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को गुनिस फिल्म फिल्मिलेशन भी देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक फ्री ट्राइपॉड के साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों इससे आप लोग वेडिंग वीडियो को शूट कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, और अपने म्यूजिक वीडियो को भी बना सकते हैं। बाकी इसकी जो प्राइस है हाल ही के टाइम पे अमेज़न के ऊपर
ऊपर वो आप लोग को 1,37,000 रुपए देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छा कैमरा है इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी दोस्तों अब माय लिस्ट में पांचवें नंबर का कैमरा आता है कैनन ईओएस R10। दोस्तों ये कैमरा काफी बजट के अंदर आने वाला एक काफी अच्छा प्रोफेशनल कैमरा है आप लोग के लिए, जो की आप लोग को सिर्फ 1,00,000 रुपए के अंडर में देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोग को 24.2 मेगापिक्सल का एक शिफ्ट ऑटो फोकस के साथ कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी इससे आप लोग 4K तक की वीडियो को अल्ट्रा HD क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है एक 1,00,000 रुपए की बजट रेंज के अंदर कैमरे की बात करें तो। बाकी इससे आप लोग अपनी व्लॉग वीडियो को, ट्रेवल वीडियो को, फोटोग्राफी वीडियो को, वेडिंग वीडियो को, किसी भी तरह की वीडियो को काफी अच्छे तरीके से शूट कर पाओगे। इसके अंदर आप लोग को APS-C का सेंसर देखने को मिल जाता है, DigicX का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये कैनन का कैमरा आप लोग को एक 3 इंच की LCD डिस्प्ले के साथ भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी इसको दोस्तों आप लोग किसी डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो आप लोग को इसके लिए इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी, और खास तौर पे दोस्तों ये वेडिंग के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए तो काफी अच्छा कैमरा है। बाकी इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो हाल ही के टाइम पे दोस्तों ये अमेजोन के ऊपर आप लोग को 94,699 रुपए के अंदर देखने को मिलता है, जो कि 1,00,000 रुपए के अंदर में आप लोगों को काफी बजट के अंदर काफी प्रोफेशनल कैमरा देखने को मिल रहा है कैनन की तरफ से। बाकी दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट कैमरा जो कि आप लोग को अपने बजट के अनुसार देखने को मिल जाते हैं, खास तौर पे वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो अगर आप लोग भी एक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए न्यू कैमरा बाय करना चाहते हैं तो इन टॉप 5 में से आप लोग किसी भी कैमरे को बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है इन कैमरे से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट के पूछ सकते हैं, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।